टीएमसी में यशवंत सिन्हा शामिल हो चुके हैं। अब उनको 2018 के बाद जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो प्लेटफॉर्म टीएमसी पर अब बंगाल में मिल चुका है यशवंत सिन्हा को। यशवंत सिन्हा के जो पुत्र से पूछा गया, जो कि प्रेजेंट के सांसद हैं, कि आपके पिताजी टीएमसी में जाकर के शामिल हो गए हैं, तो इस जवाब पर थोड़ा असहज महसूस किए जो उनके पुत्र हैं, तो बोला कि इस सवाल का जवाब तो वही देंगे। अब टीएमसी में शामिल होने के बाद यशवंत सिन्हा कहते हैं कि ममता बनर्जी बहुत बहादुर हैं, और जब कंधार में हाईजैक किया गया था तो उन्होंने खुद बोला था कि वो खुद हॉस्टेज बनने को तैयार हैं। उन्होंने कैबिनेट के मिनिस्टर की जो मीटिंग हो रही थी उसमें साफ तौर पे कहा था कि आप ऐसा कीजिए, मुझे हॉस्टेज बना दीजिए, लेकिन शर्त वही रहेगी, मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन जो जितने भी यात्री हैं उन सबको आपको वापस लेके आना होगा, मुझे कुर्बानी देनी होगी, मैं कुर्बानी दूंगी। तो इस बात को लेकर जिक्र किया गया। आप लोगों को क्या लगता है, यशवंत सिन्हा का टीएमसी में जाना, बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोल देना, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है बताइए।